अदर लैंग्वेज. सो जनरली दीज आर मेड अप केसेस ना, ये मेड अप केसेस होते हैं. ओके यस, इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन राइट सिम्टम्स. सो केस नंबर 8, 76 ईयर ओल्ड मेल विथ था इस्केमिक हार्ट डिजीज, डेवलप फीवर एंड ब्रेथलेसनेस 2 डेज बैक एंड वॉज एडमिटेड एंड डाइड विद इन 24 आवर्स. फर्स्ट टेस्ट वॉज इनकन्क्लूसिव. कोविड टेस्ट वॉज इनकन्क्लूसिव. सो बेसिकली ये जस्ट एक दिस वॉज जस्ट स्टार्ट टू जस्ट टू ब्रीफ यू ऑल अबाउट दैट समटाइम्स वी विल डील विद कोविड इन दिस ऑनगोइंग पेंडेमिक. इफ वी हैव सच अ केस व्हाट शुड वी डू. ओके सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स हाउ वी हैव टू कोड और हाउ टू राइट कोविड रिलेटेड डेथ्स इन एमसीसी. वन इज व्हेन दिस लेबोरेटरी प्रूवन वी हैव. सो इन दैट द इंटीसीडेंट कॉज ऑफकोर्स एआरडीएस विल बी द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ. Acute respiratory distress will be the immediate cause of death in most of our COVID patients. Mm-hmm. But the antecedent cause can be pneumonia due to COVID-19 infection, proven laboratory proven COVID-19 infection. Or it could be probable COVID-19 infection depending on the signs and symptoms. Sometimes in probable, we can also mention in the MCCD, probable COVID-19 laboratory test negative can also be mentioned in that. Because this is very important, because nowadays after Supreme Court and medical legally also, if we have not ascertained the number of COVID-19 deaths, मुआवजा किसको देना है वो बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है. करेक्ट. ओके और इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया था तो ये है, बट ये कोविड का केस था इसलिए अदरवाइज ये हिस्ट्री जो दिया गया जस्ट 2 लाइन्स का है, सो विच इज नॉट सफिशियंट. ठीक है, एक सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट केस नंबर 9, 37 ईयर ओल्ड अरुण जी दर साइड, 37 ईयर ओल्ड मल्टीपैरा विथ गेस्टेशनल डायबिटीज वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विथ ड्रिंकिंग एट 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन डायग्नोसिस ऑफ प्री मैच्योर डिस्टल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही चीफ रिपोर्टर, अभी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा से हमारी बातचीत हो रही है. सर अभी जो ये वर्कशॉप चल रहा है इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी दें. ये वर्कशॉप MCCD कहा जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ. अभी 10 बजे से इनॉग्रेशन होके 2 बजे तक चलेगा. 3.5 घंटे का प्रोग्राम था. इसमें अमेरिका और मुंबई और बिहार के भी स्पीकर ने अपना डिलीवरीशन दिया कि कैसे एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है, सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ क्या है, ताकि मेडिको लीगल इश्यूज आने पर वो क्लियर या कंपनसेशन. अभी कोविड में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरा डेथ कोविड से हुआ है, तो वो डेथ एक्चुअल क्या था, कंपनसेशन किसको मिले, रोड एक्सीडेंट आते हैं, सुसाइड हुए, तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेथ होते हैं उसका एक्चुअल कॉज क्या है, उसी पर डिफरेंट एक्सपर्ट अपना डिलीवरेशन शेयर किए हैं. And we had a very good pleasure. We also stayed here for a long time. और हमारे प्रिंसिपल साहब भी थे. और अभी ये इस तरह के कार्यक्रम ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन बिहार है और पूरे इंडिया में पहले मुंबई में हुआ है, सेकेंड यहाँ हुआ है. सो बिहार में भी SKMCH को चुना गया एज ए अधीक्षक. आई एम वेरी मच हैप्पी कि इस तरह के वर्कशॉप यहाँ हुए हैं. ये एक ही दिन का वर्कशॉप है कि आगे भी चलेगा? आज एक ही दिन का है लेकिन आगे भी रेगुलर एक्सरसाइज वर्कशॉप चलेंगे, क्योंकि एक दिन में कोई चीज का कम्प्लीशन नहीं होता है. तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20.